नमस्कार प्यारे मित्रों, आज मैं आपको ऐसे नक्षत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका अद्भुत संयोग, जिसकी अद्भुत लीला, जिसका अद्भुत रचना और नक्षत्रों का राजा कौन होता है, आठवें स्थान का मालिक पुष्य नक्षत्र, नक्षत्रों के अंदर जो होता है उसे बोलते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र। जो गुरुवार को यह नक्षत्र का संयोग बनता है, इसके अंदर कोई भी नया व्यापार, नई उन्नति, नए कोई प्रतिष्ठान का उद्घाटन हो और कोई भी विवाह के अलावा कोई भी ऐसी चीज हो जो कि आप करना चाहते हैं, जैसे जेवर खरीदना है, जवाहरात खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई घोड़ा खरीदना है, कोई और अन्य वस्तु खरीदनी है, किसी को तिजोरी, किसी को लॉकर, किसी को बैंक में अंदर एडमिशन लेना है, बैंक के अंदर कोई चीज के लिए अप्लाई करना है, किसी को ऋण लेना है, इन सब चीजों के अंदर आप कोई मुहूर्त की देखने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि इस नक्षत्र का नाम है गुरु पुष्य नक्षत्र। गुरुवार को जो पुष्य नक्षत्र की बेला होती है उसके अंदर आप कोई सा भी काम करें बहुत अच्छा होता है। विवाह के लिए निषेध है क्योंकि एक ऋषि का श्राप है इस नक्षत्र को, पुष्य नक्षत्र को। इस नक्षत्र में विवाह के अलावा सारे कर्म हो सकते हैं। मित्रों, इसमें कुछ निषेध भी बताया गया है कि धारदार हथियार नहीं खरीदें, कोई कबाड़ी पुराना सामान ना खरीदें या और भी कोई ऐसी वस्तु हो कि जो पुरानी धुरानी हो, उन चीजों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि लोग बाग देखिए, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा तो करते हैं, पर उसको आरती उतार से समय आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि चांदी की कोई ग्लास लेकर या कोई तांबे का लोटा लेकर, कोई पीतल का लोटा लेकर उसकी पूजा करते हैं। मित्रों, मैं आज आपको बता रहा हूं कि गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वता बताई गई है, क्योंकि कर्क राशि वाले के तीनों चारों चरण जो होते हैं पुष्य नक्षत्र के ही होते हैं। इसलिए आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि यह देखिए आप मेरे हाथ में ओरिजिनल दक्षिणावर्ती शंख है। इस ओरिजिनल दक्षिणावर्ती शंख से यदि आप भगवान का अभिषेक करते हैं लक्ष्मी नारायण का गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर और रवि पुष्य नक्षत्र के अंदर, तो निश्चित मानना आपको इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि आसमान से धन वर्षा होगी, नंबर एक। नंबर दूसरा, अधिकतर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं पूजा पाठ करते हैं कि हमें पूजा का फल नहीं मिलता है, तो आप एक काम कीजिए, गुरु पुष्य नक्षत्र की बेला के ऊपर आप इस दक्षिणावर्ती शंख को और इस, ये देखिए मेरे हाथ में स्फटिक मणिका जिसको क्रिस्टल का बोलते हैं, ये श्री यंत्र है, इसको लाके अबूज मुहूर्त होता है, इसके अंदर लाके आप अच्छी बेला के अंदर लाइए, शुभ लग्नानुसार लाइए और शुभ मुहूर्त के अंदर लाके आप घर में स्थापित करें और इस शंख से आप इसका अभिषेक करें और श्री सूक्त का जो पाठ होता है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह, इस प्रकार इस श्लोक को जाप करते हुए आप इसका आह्वान करें और इसके अंदर किसी पंडित की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वतः ही यह श्रीयंत्र जागृत हो जाता है और आसमान से धन वर्षा करने के साथ साथ आपके रुके हुए जितने भी काम है, आपके प्रतिष्ठान बंद हो गया हो वह भी चालू हो जाएगा, आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे, दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा वह पैसा भी आपका वापस आने लग जाएगा। मित्रों, यही नहीं, आपको एक चीज और बताता हूं कि अपन कोई गाड़ी लेते हैं, पंडितों से मुहूर्त पूछते हैं, मुहूर्त के अनुसार लानी चाहिए, ये अबूज मुहूर्त है। कोई भी गाड़ी खरीदने का, कोई भी जेवर खरीदने का, कोई भी जवाहरात खरीदने का, कोई भी रिंग को धारण करने का, जैसे लोग बाग बोलते हैं कि हाय हमारा चूक गया, हम क्या करें, मुहूर्त निकल गया, आपके यदि सामने गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है तो आप उस नक्षत्र के अंदर आप कोई भी रत्न धारण करें, वो स्वर्ण का जरूर धारण करने के लिए रवि पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व बताया गया है। आप इस अंगली के अंदर और इस अंगली के अंदर आप स्वर्ण की मुद्रा या स्वर्ण का कोई छल्ला या स्वर्ण की कोई भी चीज आप पॉकेट में रखें और या कोई गले में धारण करें या ब्रासलेट पहने या आप कोई भी चीज धारण कर सकते हैं, इसके लिए आप इसको पूछने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक चीज और बता दूं, कोई मानसिक संताप से बहुत ज्यादा पीड़ित है कोई व्यक्ति और किसी की संतान बोल नहीं पाती है, कोई बार बार हकलाता है, तो आप ये निश्चित मानिए इस
दक्षिणावर्ति शंख को से आप इस श्री यंत्र का अभिषेक करें और इसके पानी को आप किसी बच्चे विशेष को पिलाएं, जो मंद बुद्धि हो उसकी बुद्धि चलने लग जाएगी, जो हकलाता हो उसका हकलाना दूर हो जाएगा। इस शंख की एक विशेषता और बता रहा हूं कि गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर आप इसमें कच्चे सफेद साबुत चावल इसके अंदर भर के रखें, इसमें एक चांदी का सिक्का रखें और इसको आप तिजोरी के अंदर दाहिने हाथ के कोने में इसको विराजमान कर दें। आप देखना कि कितना चमत्कार होगा कि लक्ष्मी का ऐसा आगमन होगा कि आपके तिजोरी में रखने की जगह नहीं मिलेगी धन को। मित्रों यही नहीं, आपको एक चीज और बता रहा हूं, किसी के मान लो पति पत्नी में कोई विवाद हो गया हो, बहुत ज्यादा टेंशन रहती हो, आर पार की लड़ाई होती हो, इस गुरु पक्ष नक्षत्र के अंदर उस पति पत्नी को कहता हूं मैं कि आप एक क्रिस्टल का ये श्री यंत्र लाकर आप अपने शुभ मुहूर्त के अंदर घर में स्थापित कर लें, पंडित से पूजा करा ले तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसा शंख और ये क्रिस्टल का श्री यंत्र आप दोनों का संयोग से इसमें तुलसी पत्र डालकर आप इसका अभिषेक करें, जो मैंने बताया था श्री सूक्त उसके साथ में लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ करें। आप दीपावली के रोज ही इस श्री यंत्र की स्थापना करके देखें और मेरे बताए हुए विधिवत तरीके से आप इसकी पूजा करें, आप देखना आपके घर में अन धन का भंडार भरेगा और धन का इतना भंडार भर जाएगा कि आपको सोने के भी टाइम नहीं मिलेगा। आप निश्चित मानना। इस गुरु पुष्य नक्षत्र की एक महिमा और बताता हूं कि लोग बाग सत्यनारायण व्रत की खता करते हैं। सत्यनारायण व्रत की खता का बहुत बड़ा महत्व होता है, ये लक्ष्मी का प्रदाता भी होता है, पर इसको गुरु पुष्य नक्षत्र से चालू करते हैं तो आप निश्चित मानना सत्यनारायण की खता का पूरा फल मिलता है। लोग बाग कभी भी स्टार्ट कर देते हैं ऐसा नहीं है, यदि गुरु पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा के दिन आ जाता है तो उससे तो बढ़िया कोई संयोग ही नहीं है, और इतना अच्छा संयोग है क्योंकि गुरु बृहस्पति और पुष्य शनि इन दोनों का संयोग होने से, गुरु बृहस्पति और शनि का संयोग होने से ये एक अबुझ मुहूर्त में बन जाता है। आप निश्चित रूप से इन दोनों को का संयोग से आप कोई भी चीज काम करेंगे, इस नक्षत्र में काम करेंगे, आपको विशेष फल प्रदान होगा। आप देखते हैं इस भागम भाग के जमाने के अंदर आपने देखा होगा कितना पजल रहता है आदमी, उसकी नौकरी नहीं लग पाती, कंपटीशन देते हैं हो नहीं पाता है। अरे आप उस नक्षत्र के अंदर यदि आपका फॉर्म भरने का, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है ध्यान दें, यदि गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र आ रहा है और आप यदि किसी की फॉर्म को भरने जा रहे हैं, किसी नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस मुहूर्त में काम करके देखना, आप नहीं भी पढ़ते हुए भी आप पास हो जाएंगे, उसके अंदर निश्चित रूप से आपको उस नौकरी के लिए आपको द्वार खुले मिलेंगे। अब आपको एक चीज और बता दूं, बच्चों का नामकरण संस्कार करवाते हैं लोग बाग, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको नामकरण संस्कार कराना है। यदि आपको नामकरण संस्कार कराना है और गुरु पुष्य नक्षत्र आ गया, उस नक्षत्र के अंदर आप देखिए उसका संस्कार करवाइए, पंडित से पूछ के चंद्रमा को देखकर और अच्छे मुहूर्त में उसका नाम निकलवाएं, उसका बौटना जिसको बोलते हैं आप, जिसको बच्चे को अन्नप्रशासन क्रिया बोलते हैं वह करवाते हैं, तो इस नक्षत्र में करवाइए, आपका बेटा कितना ज्ञानी और ध्यानी होगा। मित्रों अनेक महिमा है गुरु पुष्य नक्षत्र की कि जिसको मैं आपको बता नहीं सकता, पर लक्ष्मी का विशेष संयोग प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठान को चलाने के लिए, दुकान को चलाने के लिए यदि कोई मुहूर्त है तो मित्रों इस गुरु पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र से बढ़िया कोई नहीं है। पर इसके अंदर फिर मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मी नारायण की स्थापना कराएं, आप कोई भी देव प्रतिमा ले आए छोटी वाली 3-4 इंच की, अल्लाह के बिना पूछे इस मुहूर्त के अंदर आप प्रतिमा को स्थापित कर दें, आपका चंद्रमा के अनुकूल स्थिति के अनुसार, तो आप ये ध्यान रखना कि आपके घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण आ जाएंगे। आपको एक चीज और बता दूं, सफेद आंक का पेड़ जिसको सफेद आंकड़ा बोलते हैं लोग बाग, उसका बहुत शुभ मानते हैं, उसमें लक्ष्मी का वास होता है, उसके जड़ के अंदर गणेश जी का वास होता है, आपने देखा होगा बहुत से घरों में लगा हुआ रहता है। कहते हैं कि उस पेड़ को लगने के बाद में फल की प्राप्ति नहीं होती, अरे कैसे होगी फल की प्राप्ति, उसको लाने से पहले एक दिन पहले आह्वान करना पड़ता है बुधवार के दिन। यदि गुरुवार को पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है तो आप उस दिन उस पेड़ को लाके लगाएं, आप देखिए कितने माला माल हो जाएंगे कि वो सफेद आंकड़े के अंदर साक्षात गणेश जी विराजमान हो जाते हैं। यही नहीं, आपको एक चीज और बता देता हूं, वो बहुत बढ़िया चीज है कि आपने देखा होगा कि लोग बाग विदेश जाने के लिए बहुत सी चीजें को लिए अप्लाई करते हैं,
वीजा बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, इन सब के अंदर बहुत सी रुकावटें आती है। आप इस नक्षत्र में करके देखें, आप इस नक्षत्र में विद्याधन करवाएं बच्चे को, इसी नक्षत्र के अंदर आप स्कूल में एडमिशन दिलाएं, इस नक्षत्र के अंदर आप किसी नए काम को शुरुआत करके देखें, आपको इस नक्षत्र की महिमा बहुत मिलेगी। मित्रों, इस श्री यंत्र का आप यदि घर में स्थापना करा रहे हैं और गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है तो निश्चित माननीय इसमें साक्षात प्राण डल जाते हैं। पर प्राण कैसे डलते हैं कि आप इस शंख से श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें और पाठ करने के बाद उसके उच्चारण के जरिए इसका अभिषेक करवाएं इस प्रकार से, तब देखिए आप इसका चमत्कार को। नमस्कार है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको बहुत पसंद आया तो आप इस श्री यंत्र और इस शंख के लिए आप ओरिजिनल ये दक्षिणावर्ती शंख आजकल बहुत फाइबर के मिल रहे हैं बाजार में, जिसको लेमिनेटेड कर दिया जाता है और इसमें जो इसके अंदर बहुत सी चीजें भर के और इनके दोषों को खत्म कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे इस प्रतिष्ठान पे ओरिजिनल शिवलिंग मिलता है, ओरिजिनल क्रिस्टल का टेस्टेड, ये देखिए ओरिजिनल हमारे यहाँ पर शंख मिलता है और ओरिजिनल ही हमारे यहाँ पर ये आप क्रिस्टल का आप ये देख पा रहे हैं श्री यंत्र मिलता है। आप हमसे संपर्क करें और हमारे प्रतिष्ठान के नंबर आपके डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं पीएमके के जेम्स के नाम से, आप इस संपर्क सूत्र पे संपर्क करके आप हमारे से कॉन्टेक्ट करें। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और आप व्यक्तिगत आके भी ले सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, हमारे यहाँ पे सब तरह की सुविधा उपलब्ध है। और आपको एक चीज और बता दूं, हमारे प्रतिष्ठान की एक तासीर है कि यहाँ पे बच्चे को भेजो, बड़े को भेजो, बुड्ढे को भेजो, सबके लिए एक रिजनेबल रेट में हमारे यहाँ काम होता है। मित्रों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई है गुरु पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र की, तो आप हमसे संपर्क करें और हमें कॉल करें। जय सियाराम। और